हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रूबी में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सॉरी क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, तो इसके लिए सॉरी। टुडे वी हैव बॉट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लिविंग साइंस बुक। आज का जो मेरा चैप्टर है उसका नाम है गुड हैबिट्स टू चिल्ड्रेन। गुड हैबिट्स में क्या सब होता है इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। एट फर्स्ट यू सोस हार्ड वर्क, गुड अच्छा, हैबिट आदत, हेल्प मदद, हेल्दी स्वस्थ स्ट्रॉन्ग मजबूत, आवश्यक अपने आप, डर्टी गंदा, डस्ट धूल, स्वेट पसीना, बाथ स्नान, वे रास्ता, क्लीन साफ, डेली प्रतिदिन, राइट सही प्लेस जगह, टैप नल, सावर झरना, कीप रखना वॉल दीवार आफ्टर बाद में, टीथ दांत, ड्रिंक पीना, लिक चाटना, बाइट दांत से काटना, मॉर्निंग सुबह। तो ये हार्ड वर्ड है और अगर बीच में भी आएगा चैप्टर में तो वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट। गुड हैबिट्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड टू बिकम स्ट्रॉन्ग। गुड हैबिट्स जो है वो हमको हेल्दी रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है। क्लीन एंड हेल्दी, वी मस्ट कीप आवर सेल्स क्लीन। हम लोगों को जो है अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। व्हेन वी प्ले और वर्क आवर बॉडी गेट डर्ट। जब हम लोग काम करते हैं या खेलते हैं तो उस समय हम लोगों का जो है बॉडी वो गंदा हो जाता है। डस्ट एंड स्वेट मेक आवर बॉडी डर्टी। धूल और पसीना जो है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, डर्टी करता है, गंदा करता है। वी मस्ट बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। इट इज द बेस्ट वे टू कीप आवर बॉडी क्लीन। ये जो है ये एक रास्ता है हमारे बॉडी को साफ रखने का। यूज सॉप एंड वाटर टू वॉश अवे डर्ट। हम जो है पानी और साबुन से अपना बॉडी को साफ रखते हैं। यूज अ क्लीन टॉवेल टू वाइप योर सेल्फ, और एक क्लीन साफ टॉवेल से जो है अपने बॉडी को वाइप करते हैं, मीन्स पोछते हैं। वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें जो है क्लीन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद जो है हमें अपना हैंड वॉश करना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। द डर्ट ऑन आवर हैंड्स एंटर्स आवर बॉडी विद द फूड। यदि हमारे हाथ में गंदा रहेगा, डर्ट रहेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो भोजन के साथ वो गंदगी चला जाएगा। ट्रिम योर नेल्स विद अ नेल कटर, हमें जो है अपने नेल को ट्रिम करना चाहिए नेल कटर से। व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट इन द माउथ दे कैन स्पॉइल आवर टीथ, वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन बाय ब्रशिंग देम डेली। हमें जो है खाना छोटा बाइट में खाना चाहिए, खाना के का जो वो स्पॉइल वो फंस जाता है, छोटा छोटा कण जो रहता है खाना का, तो उससे हमारा टीथ जो है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और इसके लिए हमको क्या है, प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन बाय ब्रशिंग देम डेली। वी मस्ट राइंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर वी ईट समथिंग, हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमको जो है वो पानी से अपने माउथ को फ्रेश करना चाहिए। हम लोग कूल्ला फेंकते हैं ना, वो करना चाहिए, माउथ को वॉश करना चाहिए। आवर आईज ईयर्स नोज एंड हेयर मस्ट ऑलवेज बी क्लीन, हमें जो है अपना आईज ईयर्स नोज हेयर इसको भी साफ रखना चाहिए हमेशा। कीप योर सेल्फ क्लीन, अब जो है कैसे क्लीन रखना है अपने आप को उसके बारे में पढ़ेंगे। ईट फ्रॉम योर ओन प्लेट, ड्रिंक खाना जो है वो प्लेट में खाना चाहिए। ड्रिंक फ्रॉम योर
योर ऑन ग्लास, पानी जो है वो ग्लास में पीना चाहिए। व्हेन यू कफ और स्नीज, कवर योर माउथ एंड योर नोज विथ अ हैंकी। जब आपको सर्दी होती है, छींक आती है या नोजी आता है, तो उस टाइम जो है आपको अपना फेस माउथ को कवर करके रखना चाहिए हैंकी से। डू नॉट बाइट योर नेल्स, कभी भी अपना जो है नाखून वो नहीं काटना चाहिए। डू नॉट लिक योर फिंगर्स आफ्टर ईटिंग, कभी भी जो है अपना फिंगर खाना के बाद, बहुत बच्चे की आदत होती है उंगली चाटना, वो नहीं चाटना चाहिए। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, सुबह सुबह ब्रश करनी चाहिए और रात में सोने से पहले वो भी ब्रश करना चाहिए। कीप योर हाउस क्लीन, अब जो है आप अपने घर को कैसे क्लीन रखेंगे इसके बारे में जानते हैं। वी ऑल लव टू प्ले, सभी को खेलने से प्यार होता है। आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, पुट अवे योर टॉयज, अपने खिलौने को रखना चाहिए। कीप योर बुक्स इन देयर राइट प्लेस, अपने बुक को हमेशा उसके सही जगह पे ही रखना चाहिए। थ्रो यूज बिट्स ऑफ पेपर एंड अदर वेस्ट इनटू द डस्टबिन, जो भी वेस्ट मटेरियल है, पेपर है, उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए। डू नॉट राइट और ड्रॉ ऑन वॉल्स, बच्चों की आदत होती है जो दीवार पे कुछ से कुछ हम लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो फैन और लाइट का स्विच जो है उसको ऑफ कर देना चाहिए। टर्न ऑफ टैप एंड शावर्स, शावर और टैप को भी जब यूज़ नहीं करते हैं तो उसको भी ऑफ करके रखना चाहिए। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए यूज़ करने के बाद। लेट अस से इट अगेन, वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स, हमें जो है अच्छी आदत फॉलो करनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर सेल्स क्लीन, हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट हैव अ बाथ एंड ब्रश आवर टीथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें खाने से पहले और उसके बाद अपने हैंड वॉश करने चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमें अपने घर को जो है वो क्लीन रखना चाहिए। लेटेस्ट आंसर, अब जो है इसका फिल इन दी ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट आंसर। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग वी शुड, क्या होगा, नेल कट, कॉम्ब या हैंड वॉश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉश योर हैंड। वी शुड डू दिस ट्वाइस अ डे, एक दिन में दो बार क्या करना चाहिए, तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ब्रशिंग माई टीथ। वी शुड डू दिस एवरी डे, एवरी डे क्या करना चाहिए, टेक अ बाथ, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ डू और डू नॉट लगाना है इसमें। तो डैश यूज योर हैंकी व्हेन यू स्नीज, क्या होगा चिल्ड्रन इसमें, डू यूज योर हैंकी व्हेन यू स्नीज, जब आपको सर्दी होती है तो हैंकी का यूज करना चाहिए, तो इसमें डू लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बाइट योर नेल्स, क्या डू या डोंट लगेगा इसमें, तो डोंट बाइट योर नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राइट ऑन द वॉल्स, तो इसमें भी डू नॉट लगेगा, डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टर्न ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, तो डू टर्न ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, यूज करने के बाद तो टैप को बंद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इनटू द डस्टबिन, तो डू थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इनटू द डस्टबिन। अब इसमें है, चूज द राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में जो है ये वर्ड दिया हुआ है और इसका जो है हमको इसमें फिल करना है। वी मस्ट ट्रिम आवर नेल्स विथ अ, क्या होगा, नेल कटर, क्लीन टीथ
मेक अस लुक नाइस. वी मस्ट कीप आवर हेयर कॉम्ब्ड. तो इसका ये हो गया. अब जो है इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो वो हम अभी लिख करके बताते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर इन दिस चैप्टर. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट वी डू आफ्टर वी फिनिश प्लेइंग. इसका राइट आंसर होगा आफ्टर वी प्लेइंग वी मस्ट क्लीन आवर बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मस्ट वी यूज सॉप एंड वाटर फॉर वॉशिंग. वी मस्ट यूज सॉप एंड वाटर टू वॉश अवे डर्ट. Why must we trim our nails? We must trim our nails because long nails can spoil our food. इसके साथ जो है ये क्वेश्चन आंसर एंड होता है. फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, नए वीडियो में. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.